हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने अभी तक नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लिया होगा, फॉर्म जो है नोटिफाइड हो चुके हैं भरने। हमें 5 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक है। तो जो हरियाणा की जो नोटिफिकेशन है उसके क्रक्स जो हैं बेसिकली कब कैसे क्या कहाँ करना है, कहाँ से जो है सवाल पूछा जाएगा, या क्या सिलेबस का पार्ट है, या क्या किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, उसी से जुड़ी ये कंप्लीट वीडियो है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो सिलेबस से लेकर हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर्म जो है आपके नोटिफाइड हो चुके हैं। ऑनलाइन भरने की जो डेट है अगर मैं वो कहूँ तो 5 जनवरी 2024 है। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 31 जनवरी 2024 है। ये दोनों ही डेट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें फीस की। फीस की अगर मैं बात करूँ तो भैया मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ है, फीमेल के लिए 250 रुपीज़ है। टोटल 174 जो सीट्स हैं। अब फीस में एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मेल जो है चाहे आप हरियाणा से हैं या नहीं है, बाहर से हैं तो भी 1000 है, हरियाणा से हैं तो भी 1000 है। वहीं पर अगर फीमेल कैटेगरी है, चाहे वो आप आउट ऑफ द हरियाणा है चाहे विद इन हरियाणा है, आपकी जो फीस है वो मात्र 250 रुपीज़ है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ 174 सीट्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 170 प्लस सीट्स जो हैं आने की हमें उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। 129 एक्चुअल है, 45 जो हैं एंटिसिपेटेड है, तो टोटल 174 है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करें टोटल सीट्स की, जो फर्दर बाइफर्केशन है उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो अगर उसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर एक्चुअल सीट्स की मैं बात करूं तो यहां पर एक्चुअल में 77 जो है वो आपकी इंक्लूड करती हैं। वहीं पर एंटिसिपेटेड में जर्नल के लिए 24 सीट्स अवेलेबल हैं। फर्दर जो है वो आप नोटिफिकेशन से देख चुके होंगे। अब बात करें स्ट्रेटजी की, तो प्री मेंस और इंटरव्यू जैसा हर स्टेट का सिनेरियो होता है वैसा ही यहाँ पर भी सिनेरियो है। प्री जो है 500 नंबर का होता है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 200 200 200, 3 पेपर्स जो हैं 200 मार्क्स ईच, 600 एंड 100 100 100, ये तीन ऐसे करके आपके आपका लॉ का पेपर जो है विद द लैंग्वेज पार्ट किया जाता है। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू 200 मार्क्स का है। अब जो क्योंकि प्री के लिए हम बात कर रहे हैं तो प्री की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटजी में 125 मार्क्स के जो है क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 500 नंबर है। नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा कि आपने ADA में देखा था ए बी सी डी के साथ ई भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर ई जो है आप नहीं मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल ई किस लिए आपको मार्क करना है, जब आप जो है अगर क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो तो वहां पर ई आपको मार्क करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया देन इट विल बी डीम टू बी अ नेगेटिव मार्किंग जो है हो जाएगी। सिलेबस की बात की जाए तो भैया CPC, पंजाब कोड एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप होगा, SRA, एविडेंस, हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन, ये सारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं। अब बात करें लीगल GK की सिनेरियो की, तो लीगल GK के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज अ सिलेबस नहीं दे रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर हालत में आपको करना है। लास्ट 3 मंथ्स का अगर आप करंट अफेयर्स करेंगे देन इट विल बी मोर देन सफिशेंट, आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा लीगल GK जो मैं कहती हूँ, जिसमें आपकी रीसेंट अमेंडमेंट्स या जो है आपका रीसेंट केस लॉज है, केस लॉ की हमारी सीरीज ऑलरेडी जो है 1 मिनट सीरीज डेली मैं कराती हूँ, उसमें फेमस और लैंडमार्क केसेस हम करते हैं, उसको गो थ्रू करिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा। और सेल्फ स्टडी के लिए जो कि मैंने अक्सर आपको बोला है 80 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, आप वहाँ से नोट्स जो है PDF फॉर्म में अवेल कर सकते हैं। अब बात की जाए भैया कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है। हमेशा मेजर और माइनर एक्ट को उठाइएगा, दोनों मेजर कभी मत उठाना। उसके अलावा गो विद द प्रोविजन, ठीक है, बेयर एक्ट, MCQs जितने हो सके उतने लगाइएगा। DJS, हरियाणा, पंजाब, इन तीनों के MCQs आपको पिछला 10 ईयर उठाना है एक्ट लीस्ट, ये तो करना ही करना है। अब कोई मुझसे बुक्स की पूछता है तो भैया 10 ईयर लगा लीजिएगा, 10 ईयर आप किसी भी का लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस के आई विल बी कंप्लीटिंग
हरियाणा अर्बन रेंट एक्ट जो है, मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो है 5 तारीख से पहली क्लास आपकी आपके चैनल पर अवेलेबल होगी, आप वहां से उसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हरियाणा जुडिशरी का हमारा क्विक रिवीजन बैच ज्वाइन करना है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स आपको एक्सपर्ट फैकल्टी जो है वो उनसे कराया जाएगा। पूरे कोर्स की फीस है मात्र 8,000 रुपये, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारे इस बैच के साथ जुड़ना है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिर्फ प्री का बैच है ये, इसमें मेंस से नहीं, प्री से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आए जुड़े रहिए, तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू।